नमस्कार दोस्तों, वल दर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ कुछ खास नया वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो इसलिए ये खास है क्योंकि आज इस वीडियो में आप टेंस यानी कि पूरा टेंस आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि एक ही वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप टेंस पूरे समझ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम टेंस को शुरू करते हैं। तो टेंस, जिसको कि हिंदी में हम काल के नाम से जानते हैं, तो टेंस वास्तविक में होता क्या है कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सेकंड को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और फिर थर्ड को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंस का भाग, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस को फिर चार भागों में डिवाइडेड किए गए हैं। तो फर्स्ट भाग को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस कहते हैं। दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग जो होता है इसका तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का चार भाग। अब हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट के चार भागों को। तो इसे डिलीट करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के चार भाग को समझते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग को हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता हमारा पास्ट, यानी कि इधर वीडियो कट रहा है तो चौथा हम नीचे लिख दे रहे हैं, यानी कि चौथा को जो हम बोलेंगे वो होता हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था हमारा पास्ट टेंस का चार भाग। अब हम फ्यूचर टेंस के चार भाग को समझते हैं, इसे डिलीट करते हैं और हम फ्यूचर टेंस के चार भाग को लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग को हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। दूसरा को बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है वो होता हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था हमारा टेंस का डिवाइडेड, यानी कि टेंस को जो भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। तो अब तक हम सीख पाए हैं कि टेंस का डिवाइडेड।
अब हम प्रेजेंट टेंस को जैसे चार भागों में बांटा गया है, तो चारों भाग से रिलेटेड यदि कोई सा भी ट्रांसलेट आते हैं तो उसे हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए उसे हम समझते हैं। इसे डिलीट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का। आखिर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर कोई सा भी सेंटेंस हो तो आप उसे बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस के बारे में। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो होता है, चलो एक ही बार में हम समझा देते हैं इसमें कि प्रेजेंट का चारों, यानी कि ताकि आप आसानी से याद भी कर पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। तो इसमें कॉलम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस का। दूसरा हम कॉलम बनाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस। दूसरा हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक बार में आसानी से समझ लेते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन रूल होता है, आइडेंटिफिकेशन रूल, तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, रहता है, और इस हिंदी वाक्य के अंत में, कहने का मतलब है कि इसका आइडेंटिफिकेशन रूल जो होता है, आइडेंटिफिकेशन रूल जो इसका होता है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, etc। तो ये तो हम समझे दोनों का आइडेंटिफिकेशन रूल। अब इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस v1 या v5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव में ये होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर इज एम आर का यूज करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का। ये था दोनों का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। और इसका जो निगेटिव रूल है वो है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये दोनों का अफर्मेटिव और निगेटिव रूल हो गया। वीडियो अब कट होने जा रहा है, तो चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव और WNH सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात हम ऊपर में करेंगे। आप एक बार सही तरीके से देख लीजिए रूल को, इसे डिलीट करते हैं और हम बात करते हैं दोनों के इंट्रोगेटिव और WNH रूल का। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम डू या डच का यूज करते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें इंटरोगेटिव रूल में क्या होता है कि सबसे पहले ये इंटरोगेटिव रूल के बारे में बता रहे हैं। तो इंटरोगेटिव रूल में सबसे पहले इज एम आर का यूज करेंगे,
उसके बाद फिर सब्जेक्ट का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये है इसका इंट्रोगेटिव रूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करें। और इसमें फिर प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल टेंस डब्ल्यू एन एच का रूल लेते हैं। तो डब्ल्यू एन एच में क्या होता है कि यदि सेंटेंस डब्ल्यू एन एच सेंटेंस हो तो सबसे पहले डब्ल्यू एन एच वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि डू या डज के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें जो हमारा डब्ल्यू एन एच सेंटेंस यदि पाया जाता है तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एन एच वर्ड, उसके बाद इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एन एच, ये है इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एन एच। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। तो इसको डिलीट करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल का बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का। तो एग्जांपल भी एक एक करके आपको बताएंगे, पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल, फिर निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का और फिर डब्ल्यू एन एच का। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अफर्मेटिव एग्जांपल को, जैसे वह पत्र लिखता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही, और ही के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने आपको ऑप्शन दिया था, एक तो वी वन का यूज करना है, तो जहाँ आई, वी, यू, दे, ही, यानी कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो, यानी कि इसके साथ आपका दीज, दोज एंड प्लूरल नाउन हो, तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का जो यूज करेंगे, चलिए ये नीचे वीडियो कट रहा है इसे हम ऊपर बताएंगे। तो जैसे वो पत्र लिखता है तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही लेंगे और ही के साथ फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखना का फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब राइट्स होता है, तो हम राइट्स देंगे, फिर आ, उसके बाद हो जाएगा लेटर। उसी तरह अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव, तो चलिए इसे डिलीट करते हैं, निगेटिव का रूल लेते हैं। तो इसका जो निगेटिव जो हमारा बनेगा, जैसे हुआ पत्र नहीं लिखता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही, उसके बाद ही के साथ पता होना चाहिए डच का यूज होता है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में अलग अलग करके आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताए हैं। यदि आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखे हैं तो हम सिंगल सिंगल करके वीडियो बनाए हैं, आप हमारा सिंगल वीडियो देख सकते हैं। तो इसका ही के साथ डच का यूज होता है, तो इसलिए हो जाएगा ही डच, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म अबव राइट, उसके बाद अ लेटर। और उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में इसमें लिखेंगे कि क्या हुआ पत्र लिखता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। और उसके बाद इसमें ट्रांसलेट बन जाएगा इसका, सबसे पहले डू या डज में, इसमें डज होगा, फिर सब्जेक्ट ही होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, उसके बाद आ, उसके बाद हो जाएगा लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का एग्जांपल। डब्ल्यू एन एच का एग्जांपल ऊपर दे रहे हैं, अभी इसे वीडियो कट हो रहा है इसलिए डब्ल्यू एन एच सेंटेंस को ऊपर में लिखेंगे। इधर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका अफर्मेटिव जो बनेगा, जैसे कि हुआ पत्र लिख रहा है,
ये लास्ट में देख रहा है कंटिन्यूस है और ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही इज राइटिंग अ लेटर फुल स्टॉप। निगेटिव में हम लिखेंगे वह पत्र नहीं लिख रहा है और इसका ट्रांसलेट हो जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट बन जाएगा क्या हुआ पत्र लिख रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा इज ही राइटिंग अ लेटर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और डब्ल्यू एन एफ में बन जाएगा कि वह पत्र क्यों लिख रहा है क्वेश्चन मार्क, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा व्हाई इज ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो कंटिन्यूस में हम अफर्मेटिव से लेकर डब्ल्यू एन एच तक का आपको एग्जांपल दे दिए हैं। अब बात करते हैं हम इसमें अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में, तो इसका डब्ल्यू एन एच सेंटेंस का एक एग्जांपल दे देते हैं। तो डब्ल्यू एन एच सेंटेंस का जो एग्जांपल होगा जैसे कि वह पत्र कब लिखता है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एन एच वर्ड व्हेन, फिर डज, उसके बाद ही, उसके बाद हो जाएगा राइट अ लेटर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा डब्ल्यू एन एच सेंटेंस का बन गया। तो अभी तक आप समझ पाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, इसे डिलीट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, फिर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम डिलीट करते हैं चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको शॉर्ट रूप में समझते हैं। इसका जो आइडेंटिफिकेशन रूल होता है आइडेंटिफिकेशन रूल, जिसको हम हिंदी में पहचानने का नियम बोलते हैं, अर्थात इस सेंटेंस के अंत में रहेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, या फिर या है, ये है, यी है, डॉट 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 एटीसी, ये हमारा पहचानने का नियम। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हैज या हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो सबसे पहले हैज या हैव का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि डब्ल्यू एन एच सेंटेंसेस हो तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एन एच वर्ड लेंगे, उसके बाद हैज या हैव, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तक हम समझ पाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन रूल को और स्ट्रक्चर को, जिसमें कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एन एच स्ट्रक्चर है। हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो इसे डिलीट करते हैं और हम बात करेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल को। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव में जैसे वह पत्र
लिख चुका है तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर ही सी इट दिस दैट एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर आई वी यू दे दीज दोज एंड प्लूरल नाउन हो उसके साथ हैव का यूज करते हैं। एक बार इसको सही तरीके से देख लीजिए, फिर से डिलीट करते हैं और अब आ जाते हैं सेंटेंस पे। तो यहाँ पे ही है, जैसे हमने बताया कि ही के साथ हैज का यूज किया जाता है, तो हैज फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे बन जाएगा रिटर्न, फिर आ उसके बाद हो जाएगा लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी सेंटेंस को यदि निगेटिव में लिखना चाहेंगे तो बन जाएगा वह पत्र नहीं, या फिर उसने पत्र नहीं लिखा है। तो सेंटेंस हमारा लिखा है और यहाँ पे है चुका है, अर्थात उसने पत्र नहीं लिख पाया है या नहीं लिख चुका है, ऐसा इससे सेंस आता है। ये जरूरी नहीं कि चुका ही होगा क्योंकि लिखा है, और हमने आपको आइडेंटिफिकेशन रूल में बताया है कि कर लिया है, तो कहने का मतलब उसने पत्र नहीं लिख लिया है या नहीं लिख पाया है, ये सेंस आ रहा है। तो इसलिए ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा सबसे पहले ही, फिर हैज, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न, उसके बाद है आ, उसके बाद है लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा जैसे उसने पत्र नहीं लिखा है, तो हिंदी में लिखेंगे क्या उसने पत्र लिखा है क्वेश्चन मार्क, और फिर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इसमें हैज, फिर सब्जेक्ट ही, यानी कि हैज स्टार्टिंग में है तो कैपिटल में लिख देते हैं हैज ही, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब हो जाएगा रिटर्न, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी सेंटेंस को यदि हम डब्ल्यू एन एच सेंटेंस के रूप में लिखेंगे जैसे कि उसने पत्र कब लिखा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डब्ल्यू एन एच वर्ड हो जाएगा व्हेन, उसके बाद हो जाएगा हैज रिटर्न अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैज रिटर्न अ लेटर। यहाँ पे एक चीज़ छूटा है हमारा, क्योंकि हैज के बाद एक सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही हो जाएगा, तो व्हेन हैज ही उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा रिटर्न, यानी कि रिटर्न अ लेटर। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव निगेटिव इंडिकेटिव और डब्ल्यू एन एच चारों को लिख लिया है, चारों का स्ट्रक्चर और चारों का आइडेंटिफिकेशन रूल समझ लिया है। अब इसे डिलीट करते हैं और बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन रूल जो होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, विद सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम। अर्थात जब किसी हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, और साथ ही इसमें सर्टेन और अनसर्टेन टाइम हो, तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे सर्टेन टाइम
का जो मतलब है वो होता है निश्चित समय, और आंसर यानी कि आगे आपको सिंस का यूज करना होगा, तो निश्चित समय के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। और सिंस का यूज जो हम जो करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके बाद सिंस के साथ जो यूज करेंगे, जैसे कि इन सब के आगे जो है, ये सब के आगे हम सिंस का यूज करेंगे, उसके बाद हो जाएगा सिंस 2 AM या फिर सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, जैसे सिंस जनवरी, जैसे सिंस 2005, सिंस 2012 .. तो इन सब के साथ जो है हम सिंस का यूज करेंगे। और फोर का एक यूसेज होता है, इन सारे को हम डिलीट करते हैं, आप समझ गए होंगे अनसर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम और सिंस का यूसेज। और अब हम बताते हैं आपको, ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये था सर्टेन टाइम के लिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, तो आप देखिए और इसे डिलीट करते हैं। अब बताते हैं हम अनसर्टेन टाइम को, तो हम बात करते हैं अनसर्टेन टाइम के। अनसर्टेन टाइम को हिंदी में हम बोलते हैं अनिश्चित समय, जिसके साथ फोर का यूसेज होता है। एग्जांपल जैसे फोर 2 hours, जैसे 2 घंटों से, जिससे हमको ये पता नहीं चलता है कि 2 घंटा कब से, जैसे फोर 2 months, फिर जैसे फोर 1 week .. तो इस टाइप कहने का मतलब है कि जब किसी कोई समय निश्चित नहीं होता है तो उसके साथ हम फोर का यूसेज करते हैं, तो इसे डिलीट करते हैं। और हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो बनाने के जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हैज या हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फोर, उसके बाद अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो तो सबसे पहले जो हम यूसेज करेंगे वो हैज या हैव का, उसके बाद फिर सब्जेक्ट का, फिर बीन का, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। अब हम WNH सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे वीडियो कट हो रहा है, तो इसे डिलीट करते हैं। और WNH सेंटेंस यदि हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WNH वर्ड, फिर हो जाएगा हैज या हैव, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड। ये था हमारा WNH सेंटेंस का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WNH सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में जैसे हुआ, 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट बन जाएगा, ये क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ हैज का यूज, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी राइटिंग, उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कि पत्र है तो राइटिंग अ लेटर, फिर इसमें देख रहे हैं कि 2 घंटा ये अनसर्टेन टाइम है तो इसका ट्रांसलेट बन जाएगा 4 to 2 आवर्स। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर लिखें तो इसे हम डिलीट करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसी को लिखेंगे कि वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेट बन जाएगा ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर 4 to 2 आवर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। और यदि इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा कि क्या हुआ 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेट बन जाएगा सबसे पहले हैज, फिर ही, बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग अ लेटर, फिर हो जाएगा 4 to 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएंगे। और यदि इसी सेंटेंस को हम WNS सेंटेंस के रूप में लिखेंगे तो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा कि वह कब से पत्र लिख रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले WNS वर्ड सिंस, उसके बाद हो जाएगा व्हेन, फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर हो जाएगा ही, उसके बाद हो जाएगा बीन, फिर राइटिंग आ, उसके बाद हो जाएगा लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चारों वीडियो को एक ही साथ बना दिए हैं, यानी कि चारों टॉपिक को एक ही साथ एक ही वीडियो में बना दिए हैं। यदि आप जल्दीबाजी में यदि टेंस को समझना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से अनुभव हो तो आप हमारे एक ही वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो हम एक एक करके अलग अलग करके अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं, तो आप हमारे अलग अलग वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो की मदद से आप कोई भी टेंस जो कि इस टेंस से संबंधित हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस जो इस टेंस से संबंधित हो, तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और टेंस को बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज देख रहे हो तो आप उसे भी लाइक करें और उसे भी शेयर करना ना भूलें। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस को लेकर। थैंक यू।